अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरी पहली मॉर्निंग थी इन इस्लामाबाद और अभी बस रेडी हूँ, फ्रेश हूँ, तैयार हूँ। अली हसन भी रेडी हो गया लेकिन वो अभी गया है अम्मी को स्कूल छोड़ने, क्योंकि उनकी अम्मी जो है वो टीचर, तो बस उनको छोड़ने के लिए गया। और मैंने इधर अभी ब्रेकफास्ट किया, अली हसन ने अभी आगे करना है। इधर हीटर लगाए हुए हैं तो हीटर के सामने बैठ के ब्रेकफास्ट करने का भी वो कहते हैं ना अलग ही लेवल होता है। बाहर जो है ना मेरे ख्याल में नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि शीशे जो है ना बिल्कुल ब्लर हुए खड़े हैं वो सारे ने शबनम से। तो बाहर मेरे ख्याल में अभी सूरज तो नहीं निकला लेकिन ठंड फील हो रही है डेफिनेटली। इस्लामाबाद वाली साइड पर हमारे गाँव से तो ज़्यादा ही सर्दी होगी। एनी वेज अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अली हसन का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आगे ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे। तो बाकी का व्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लीजिए। हाँ जी गाइस, तो अभी हम यूनिवर्सिटी के लिए निकले हुए हैं। तकरीबन हमने आधा सफ़र कर लिया और आधा रहते हैं। और ये वाला घर अली हसन का पुराने वाला, यहाँ पर पहले रहते थे और ये रेंट पे लिया हुआ था, तो अभी उन्होंने अपना बनाया। तो DHA में शिफ्ट हो गया, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो यहाँ से उन्होंने कुछ वो थीसिस वगैरह इस पुराने घर में ही रहते पड़े हुए थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उठाने हैं, वही उठा रहा है और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के लिए चलते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ना चादर में लिपटा हूँ, बाइक पर जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने कुछ दिन रहना है, तो वहाँ पर बाइक की पड़नी है ज़रूरत। कभी उधर जाना, कभी दूसरे डिपार्टमेंट जाना, कभी खाना खाने जाना, तो मतलब बाइक की ज़रूरत है। गाड़ी लेके इसलिए हम नहीं गए। फिर गाड़ी का एक तो कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में खर्चा बढ़ जाता है, और दूसरा वो क्या कहते हैं ना हर जगह उसको बंदा लेके भी नहीं जा सकता, कभी उधर कभी उधर, हमने हर दो मिनट के बाद बाइक पे बैठना होता है, तो इसलिए बाइक लेके जा रहे हैं। शायद वीकेंड भी हमारा वहीं पे गुजरे, आई डोंट नो, पता नहीं कितने दिन लगते हैं, अल्लाह करे बस ये दो तीन दिन में मेरी यूनिवर्सिटी की क्लियरेंस हो जाए। क्लियरेंस करवानी है, मैंने डिग्री लेनी है अपनी, तो वो क्लियर हो जाए, रोला ख़त्म हो, और उसके बाद फिर मैं घर चला जाऊँगा आगे, फिर देखे कि आगे क्या करना है और क्या होता है लाइफ में। फाइनली हम ना यूनिवर्सिटी में अपने कामों में लगे हुए हैं। मुझे ना सुबह तो पहुंच गए थे और अभी जो टाइम हुआ है ना 2 बज गए, लंच किया है, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल गया, कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमने लंच किया। और अभी हमारी 4 साल की ये देख रहे हैं ना 4 साल की मेहनत, हमारे थीसिस ये भी हमने सबमिट करवाने हैं और साइन वगैरह करवाने, क्लियरेंस का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन अभी हमने ड्यू सेक्शन से कुछ क्लियरेंस वगैरह करवानी है। समझ लें 4 साल की मेहनत एक तरफ और क्लियरेंस करवाने पे जो मेहनत लगती है वो 4 सालों से इक्वल होती है ना। तो अभी बस उसी में चक्करों में पड़े हुए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हॉस्टल आए थे, जूनियर्स भाई हमारे सारे इधर ही होते हैं, तो डेफिनेटली फिर इधर ही आके हमने रहना है। तो वापस फिर डिपार्टमेंट जा रहे हैं, साइंस वगैरह जब साइन वगैरह जो जो रहते हैं वो करवा रहे हैं। तो आ कीजिए कि 2-3 दिन में हो जाए काम सारा, वीकेंड पे ना ज़्यादा अगले वीक तक बात ही ना जाए। ओ भाई, केयरलेस, मिस्टर केयरलेसनेस, इसका तो है ही नाम ही यही। मेरा हाथ नहीं लगा। अभी वो सीडीज दी जो यूज़ करते हैं थीसिस जिसमें सॉफ्ट फॉर्म होता है, वो गिरा के तोड़ दिए, चल बचा दिए। तो मिलते हैं जी, थीसिस वगैरह सारा कंप्लीट करके शाम को मुलाकात होगी आपसे। हाँ जी गाइस, तो यूनिवर्सिटी में मेरा जो है ना दूसरा दिन स्टार्ट हो गया और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा बुरा, समझ लो ना लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, इतनी खुआरी काटी है ये यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस कराने में। मतलब कि थर्ड क्लास टाइप का जो एक होता है ना सिस्टम, वो वाला उससे भी बुरा कह सकता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, ये कहना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब होते हैं, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं होता। और आज मेरी टांगों पे भी शरीद वाला ज़्यादा, यूनिवर्सिटी में जूनियर्स के रूम में हूँ, यहाँ पे मैं सोया हुआ हूँ, और एक ये चारपाई है, यहाँ पे जूनियर है वो अभी बाहर गया हुआ है, शायद दूसरे क्लास वाले के पास पढ़ने के लिए गया हुआ है, या आई थिंक बाहर खाना खाने के लिए गया। मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन ही और इधर ही मंगवाई थी मैंने बिरयानी, वो खाई है। अभी मेरा कर रहा था चाय का दिल, सर्दी भी है और टांगों में भी दर्द है, थकावट भी हो रही है और थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो चाय मैं साथ में कैफेटेरिया हॉस्टल में वहाँ से जाके चाय लेके आता हूँ, कमरे में आके पीऊँगा। तो व्लॉग भी जो है ना बहुत ही ना वो रैंडमली बन रहा है, ना कभी मूड बनता है बनाने का, कभी नहीं बनता, तो जैसे भी टाइम मिलता है उस हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है ना मैं अपना अपनी क्लियरेंस का इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से मैंने क्लियरेंस करवाई, सब कुछ शेयर करूँगा। फिलहाल चाय ले के आता हूँ और फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली वापस मैं रूम में आ गया हूँ और एक चाय उधर पी के आया हूँ और एक चाय अपने साथ लेके कमरे में आ गया हूँ। छोटे छोटे कप थे और एक कप से कुछ नहीं बना, मैंने कहा फिर दूसरा साथ ही कमरे में लेके जाता हूँ। और पता नहीं मेरे
पांव को क्या हुआ है, इस जगह से इतना शदीद वाला दर्द है, ऐसे लगता है कि ना किसी ने ना उंगलियां तोड़ दी। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों फील हो रहा है, सर्दी की वजह से या क्या इशू है। घर से कॉल आ रही है तो मैं कॉल सुन लूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि इस पांव की, बस ज़मीन पर पांव लगाता हूँ ऐसे लगता ना जैसे कि मोच आ जाती है, वो वाला सीन। हालांकि इस तरह का कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, अचानक से स्टार्ट हुआ है। ये इसको पंजाबी में पिल्ली कहते हैं, इसके ये मसल जो थाई वाला, ये नीचे वाला मसल होता है, इसको इतनी दर्द है। और ये वाले आई डोंट नो क्यों हो रहा है। आज चले भी काफ़ी ज़्यादा हैं ना, बाइक अंदर लेके जाने जाते थे यूनिवर्सिटी में, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे, इसी तरह बहुत घूमना पड़ा क्लियरेंस के लिए। तो चल चल के भी बहुत दर्द हुआ है, और इसमें तो आज शदीद वाला दर्द है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कल अगर नहीं होता ना मेरा काम तो फिर घर चला जाता हूँ, कुछ दिनों बाद फिर आ जाऊँगा जो काम करवाने के लिए। अदरवाइज़ ना अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चल के दोबारा कल फिर से काम करवा सकूँ। तो अभी चाय पीता हूँ, चाय ठंडी हो गई, घर से कॉल आ गई तो उस पर लग गया था। हाँ जी गाइस, तो अभी सीन कुछ यूँ है कि जा रहा हूँ मैं घर 3 दिन के बाद, और अभी काम कुछ इनकम्प्लीट रह गए, फिर कभी आऊँगा। वरना मेरा जो टांगों में दाता शायद शदीद वाला होने लग गया था, और वैसे भी ड्यू सेक्शन आज मैं 2 बार गया हूँ सुबह, एक बार अभी चक्कर लगा कह रहा हूँ, लेकिन वो आए ही नहीं। मतलब 8:30 क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फैकल्टी सारी आ जाती है, वो आए ही नहीं। और मैंने शीशे से देखा कि मेरा फॉर्म वहीं पर पड़ा हुआ, तो उसको फॉरवर्ड भी नहीं किया। दैट्स मीन कि काम अभी मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आगे वीकेंड आ रहा है, काम होना ही नहीं है। तो फिर प्लान यही किया कि घर चलता हूँ, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर कुछ वीक्स के बाद आ जाऊँगा। या अली हसन है वो इधर ही है, उसे कह दूँगा, वो चक्कर लगाएगा। फिलहाल मैं अभी बस स्टॉप के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी गाइस, तो सरप्राइज, आई एम बैक टू होम, और ये रही हमारे अम्मा जी और उधर राज मुजदार साहब। तो चाय आ गई है। व्लॉग मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा रैंडमली बनाया, कोई इसका ना मुंह है ना मत्था है, जहाँ से मुझे टाइम मिलता था मैं बना देता था। तो इस तरह से कुछ व्लॉग बनाए, और सिचुएशन हमारी आपको तो बता दी है, फिर व्लॉग के लिए कहती हूँ तो बता देता हूँ। तो आ गया हूँ मैं वापस, काम अभी अधूरा छोड़ आया हूँ कुछ तो। आ गए हो ना, तेरे बड़ा मिस किया होगा मुझे तो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था वो वो चीज रखी है जो मैंने खानी ही नहीं है। कोई साग सूग रखती है, कोई इस तरह के पकौड़े पकौड़े रखती है, आलू उबाल के रखते हैं। चलो फ्रिज में रख, तू गया ना यहाँ से तो हमने फ्रिज में उठा के रख दिया, मैं अब खाने वाला चला गया। अभी थोड़ी देर पहले देख ला किचन में जाके पड़ा है। चलें जी, आज साग खाने को मिलेगा या कुछ और बनाया है? चलें जी, आज फिर साग खाने को मिलेगा। और वो यार मेरे उधर लांबे ना दिखा सारे ताकत के अनुसार जो बोरिया बिस्तर होता है ना, वो उधर सोफे पे डाल देता है। अच्छा बताया तो मेरी टांग का थोड़ा सा मसला बन गया था। अच्छा। इसको ना पत्नी ये वाली जगह है ना जो ये वाली, यहाँ से दर्द और वो अंगूठा बड़ा सर्दी की नहीं नहीं सर्दी, यहाँ भी तो सर्दी होती है, हालांकि वहाँ मुझे कमरे में इतनी सर्दी नहीं लगी। वहाँ तो मतलब तूने अपनी हिफाजत नहीं ना की, सर्दी से बचने के लिए तूने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं की। पता नहीं अचानक, मतलब ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी होती है फिर शुरू हो जाती है, अचानक शुरू हुई है। अच्छा, ये कल सुबह की है, मतलब दूसरा दिन है इसको। अच्छा। पैदल तो नहीं चलता रहा वहाँ पे? चल रहा तो हूँ, लेकिन पहले भी मरी इतना चल लिया, चढ़ाइयाँ चढ़नी, दर्द नहीं हुआ। ये अचानक, ये तो ना थोड़ा थोड़ा होता है, अचानक शुरू हो गया, फिर तो मैं लंगड़ा आगे चलने लग गया। अच्छा, फिर चल वहाँ किसको चेक करवाता, दोस्त भी है वो भी घर चला गया था दूसरे दिन। अच्छा। फिर अकेला ही था, मैंने कहा चलो आज के दिन गुजारता हूँ इधर। इधर पड़ोस में डंगर डॉक्टर है तुझे चेक करवा, ये देख मजाक बना रहा है। और क्या, ऐसे ऐसे लगता है ना, वो जैसे लगता है ना कि बंदा गिरता है बाइक से या किसी चीज से और मसल्स जो होते हैं ना फट जाते हैं, वो वाले फीलिंग है। सही सलामत है ना, वो फीलिंग मुझे तो ऐसा भी लग, मुझे तो थोड़ा थोड़ा ये भी शक पड़ा कि शायद कोविड ना हो गया, कोरोना हो गया। नहीं लग रहा था ना, क्योंकि ना मसल्स को पेन होता है, बंदे के जिस्म में दर्दें होती हैं, और थोड़ा थोड़ा बुखार शुखार होता है, इस तरह के सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मुझे बुखार थोड़ा सा, ये बंदा बस ऐसे सफर में हो ना, टेंशन वगैरह हो तो फिर हो जाता, कोई नहीं है। फिर मैंने काम आज गया था सुबह साइन वगैरह करवाने क्लियरेंस के, वो आए नहीं है। ऐसे नवाब है ना, मैं कहता हूँ वन ऑफ द ना घटियास्ट जो कहते हैं, इतना उनका निजाम
फजूल है ना साइन करवाने वाला क्लियरेंस का। चार साल में मैंने वो जगह भी नहीं देखी जो आज मैंने क्लियरेंस के लिए देखी है यूनिवर्सिटी में। फायदा हो गया। हाँ बस गया हाँ जी अभी कुछ रह गया। इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी मौजी है भाई, जिस तरह आप स्कूल में जाते हैं ना भाई, हमें रिजल्ट कार्ड बना के दो, सर्टिफिकेट, ऐसे ही हम गए थे, हमने कहा भाई हमारा रिजल्ट कार्ड दो और हमारी डिग्री दो। डिग्री मैंने एक दिन वहाँ दोस्तों के पास गया था शादी पे, तो एक दिन पहले दिन मैं गया वहाँ, डिग्री भी अप्लाई कर दी, दूसरे दिन मुझे डिग्री मिल गई। यहाँ अभी जी डिग्री मुझे मिलने में ना, अभी मुझे डिग्री मिलने में समझ ले मेरा महीना लग जाना। वो इस तरह से कि अभी मेरा ड्यू सेक्शन से क्लियरेंस होगी, सारा मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगा अपने एडमिन ब्लॉक में, वहाँ पर फिर मैं अप्लाई करूँगा दूसरे के लिए, वो जो होता है प्रोविजनल और ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो भी डिग्री एक किस्म की समझ लें होती है, छोटी वाली झूठी वाली, तो उसके लिए अप्लाई करूँगा, उसकी फीसेज वगैरह मैं पे करके आया हूँ, मतलब ना अब जाके अप्लाई करना है जब मेरी क्लियरेंस हो जाएगी, फिर उसके लिए अप्लाई करूँगा, फिर उसके बाद वो फिर टाइम देंगे 15-20 दिन का, महीने का, 2 महीने का, ये एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं है, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, इस तरह का ये सीन है, मतलब ना खुआरी। और डिजिटल सिस्टम नहीं है, सारा रजिस्टरों पे लिखा पड़ा जी, कोई कुछ गुम करके फिर रहा है, कोई कुछ कह रहा है मेरा ऐसे हो गया, सारे मतलब ना लड़के तंग फिर रहे होते हैं। वैसे मेरी बाकी सारी क्लियर हो गई, अब ये ड्यूज वाला रह गया है और कुछ साइन रह गए हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। तो बातों में चाय जो है ना ठंडी हो रही है, वीडियो करते हैं खत्म। और आई होप आज की ये सारा, आज की नहीं बल्कि ये 3 दिन की खुआरी की सारी वीडियो जो मैंने छोड़ी बहुत बनाई आपके साथ शेयर की है, पसंद आई होगी। फिर ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर लें, मुझे दीजिए ज्यादा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।